श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है और श्राद्ध पक्ष में आपको कुछ चीजें समझना जरूरी है, जैसे कि आपके वो परिजन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आपके घर की दीवारों पर उनकी तस्वीर लगी हुई है, या फिर आपने मंदिर में तस्वीर लगाई हुई है, तो आपके घर में किस दिशा में किस दीवार पर आपके मृत परिजन की तस्वीर रहनी चाहिए, ये आपको समझना होगा। क्योंकि अगर गलत जगह पर आपने उनकी तस्वीर लगा दी तो आप पितृ दोष से पीड़ित हो सकते हैं, वो नरक हो सकते हैं, घर में सुख संपदा रुक सकती है, धन की हानि हो सकती है और गंभीर बीमारियों जैसी चीजें आपके घर में हो सकती हैं। आज मैं आपको वही नियम बताने जा रहा हूँ कि पितरों की तस्वीर आपको कहाँ लगानी चाहिए। तो पितृ दोष से बचने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहला नियम, घर में मंदिरों के अंदर तस्वीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर के अंदर आपको कभी भी घर के उस सदस्य की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए जो पहले इस दुनिया में था लेकिन अब नहीं है, तथा मंदिर में पितरों की तस्वीर रखना आपके अशुभ फल का कारण भी बन सकता है। दूसरा नियम, यदि आपके घर में पूजा पाठ ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में होता है तो पितरों की तस्वीर को पूर्व में लगा देना चाहिए। तीसरा नियम, घर के उत्तर हिस्सों में, कमरों में या फिर जिस भी कमरे में आप तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो वहां की उत्तर दिशा की दीवार पर पितरों की तस्वीर लगाना शुभ होता है। चौथा नियम, घर के नेत्रत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में पितरों की तस्वीर आप ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करना बहुत अशुभ होता है और यह घर की तरक्की के लिए एक शुभ संकेत नहीं होता है। पांचवा नियम, घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में भी पितरों की तस्वीर लगाने की मनाही है, यहाँ तस्वीर लगाने से घर की संपत्ति को हानि होती है। तो ये पांच नियम ऐसे हैं जो अगर आपने समझ लिए तो पितृ दोष से मुक्ति तो होगी ही, पितरों का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा, सुख संपत्ति धन सब कुछ आपके घर में आएगा सिर्फ इन पांच नियमों का पालन करने से। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। राधे राधे।